तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिंपल वे में चेकबुक जारी का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, स्टेट बैंक जाकर कैसे भरना है, कौन सा फॉर्म आपको मिलेगा, मैं आज आपको लाइव बताने वाला हूँ। और उस एप्लीकेशन को भरते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लगेंगे, तो सिंपल वे में आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर सिंपल वे में इस वीडियो के जरिए। तो बाकी यार, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे से पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना ही आपको बैंक में पूछने की किसी से बिल्कुल भी जरूरत है। तो सिंपल है मेरे दोस्त, मैं आपको पूरा बताऊंगा, लाइव आपके सामने फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपल वे में भरना है, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, क्या क्या साइन करने हैं, और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप लोग अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही अपने बैंक जाओगे यानी SBI बैंक जाओगे, तो आपको एक मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जो कि इस तरीके से है, आप देख पा रहे हैं। ये फॉर्म आपको सेम टू सेम मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एक ही बार में फॉर्म फिलअप करना है। कैसे करना है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे दोस्त, मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। आपको अकाउंट नंबर बड़ी तेज़ी से फिलअप नहीं करना है, बड़ी सोच समझ के फिलअप करना है, और बड़ी ही सावधानी से फिलअप करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना अकाउंट नंबर फिलअप करते समय गलत कर दो। उसके बाद आपको आपकी डेट डालना है, उस दिन की डेट डालना है जिस दिन आप सबमिट करोगे। देखिए, उस दिन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैंक जाते हैं, ये फॉर्म लेके आ जाते हैं और तुरंत उस पर डेट डाल देते हैं। तो मेरे दोस्त, आप जब सबमिट करो आपको उसी दिन का डेट इस पर डालना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग चेक बुक जारी करने हेतु जो है एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो यहां पर आपको टिक लगा देना, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर टिक लगाया हुआ है, आपको यहां पर टिक लगा देना है। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या है तो आप यहां पर टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको इतनी सारी यहां पर सुविधाएं देखने के लिए मिल रही है कि आप ये सब अपने एक ही बार में इसी फॉर्म के साथ करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे की ओर आ जाना है, और नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, नेम एड्रेस। ये देखिए, आपको यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड नेम एड्रेस और यहाँ लिखा हुआ है न्यू नेम एड्रेस। ओल्ड नेम एड्रेस का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में अगर आपने कोई परिवर्तन किया हुआ है, आपकी पासबुक में जो आपका पुराना नेम था और जो एड्रेस पुराना था, आपको वहाँ पे फिलअप कर देना है, क्योंकि वहाँ पर पूरी डिटेल में वहाँ पर अपडेटेड होता है ऑनलाइन कंप्यूटर पर। तो आपको जो पुराना आपका नेम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जो आपकी पासबुक पर रजिस्टर्ड था, और जो एड्रेस है वो भी लिख देना है। और यहाँ पर जो अब नया नेम है, यानी कह सकते जो वर्तमान में चल रहा है आपकी पासबुक में, तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे नेम भी लिख देना और उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेम तो आप अपना सिंपल वे में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेम तो आपका जो पासबुक में लगा हुआ है आपको वही नेम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे की ओर आपको आ जाना। नीचे की ओर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, देखिए अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सिग्नेचर तो कोई भी कर सकता है, तो नहीं, आपको बैंक जाना पड़ेगा या फिर कह सकते हो कि आपको अपने ओरिजिनल सिग्नेचर करने पड़ेंगे जो कि आपके अकाउंट में लगे हुए हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम कभी पैसा निकालने के लिए जाते हैं, कुछ निकालने के लिए जाते हैं, तो सिग्नेचर मांगा जाता है, जो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि सिग्नेचर मैच नहीं करता है, और मैच ना होने का कारण यही होता है कि हम लोग सिग्नेचर करने में गलती कर देते हैं। इसलिए आपको बड़े सिग्नेचर बड़ी सोच समझ के करना है और बहुत आराम से करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके पीछे एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देनी है। इस फॉर्म के पीछे आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देनी है, आपको अपने ओरिजिनल आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इससे होगा क्या कि यार, जो आधार कार्ड होता है वो आपका प्राइमरी आइडेंटिटी में आता है। प्राइमरी आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड नंबर से आपकी सारी की सारी डिटेल निकाली जा सकती है। तो आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देना है, और अब आपको सिंपल वे में क्या करना है, फोटो वोटो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको सिंपल वे में इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। बस आपकी जो प्रार्थना है, यानी कह सकते जो आपकी एप्लीकेशन है, वो 2 से 3 दिन में स्वीकार कर ली जाएगी, और आपकी जो फैसिलिटी जिसके लिए आप टिक लगाए हैं वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से चालू हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच यार।